अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ सलमान एंड आप सभी को फिर से एक बार खुश आमदीद कहता हूँ टेक्निकल प्लस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप आपकी कस्टम डोमेन को ब्लॉगर से कनेक्ट कर सकते हो। उससे पहले फ्रेंड, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि हमारी चैनल टेक्निकल प्लस यूट्यूब चैनल को आप यहाँ पे जो रेड कलर की सब्सक्राइबर बटन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी इसके बाद जो बेल आइकन दिख रही है आपको, इस पे भी क्लिक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड, मैं जब भी कुछ वीडियो डालूंगा फ्रेंड, तो वो जल्द से जल्द आपके पास आते रहेंगे। तो फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते चले स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा एंड उस पर टाइप करना होगा blogger.com, BLOGGER, blogger.com। उसके बाद फ्रेंड आपको क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करना है। एंड आपको ब्लॉगर की जो जिस ईमेल से आप ब्लॉगर क्रिएट करना चाहते हैं उस ईमेल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा पहले से ब्लॉगर का अकाउंट बना हुआ है, तो मैं उस पर लॉग इन कर लेता हूँ अभी। तो मेरा ब्लॉगर ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हैं मेरा पहला सा वेबसाइट बना हुआ है, जिसका ये जो डोमेन आ रहा है ये ब्लॉगर की तरफ से फ्री डोमेन है, bestbeautywintips.blogspot.in। तो इस पे मैंने कस्टम डोमेन ऐड करके दिखाऊंगा जो कि मैंने गोडैडी से परचेज किया है। तो मैं अभी गोडैडी पे भी लॉग इन कर लेता हूँ। तो मैंने गोडैडी पे भी साइन इन कर लिया। यहाँ पे आप मेरा डोमेन देख सकते हो beautywinx.com। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा bestbeautywintips.blogspot.in के रिप्लेस करते हुए। फ्रेंड, आपको अपनी माई डोमेन डैशबोर्ड को लॉग इन करने के बाद आपको अपनी माई डोमेन पे आना है एंड उसके बाद आपको इस जो गियर का ऑप्शन दिख रहा है पे क्लिक करना है। इसके बाद डोमेन मैन इसके बाद जो मैनेज डीएनएस दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। मैनेज डीएनएस पे क्लिक करने के बाद आपको करना उसके उसके बाद आपको यहाँ पे दो दो ए रिकॉर्ड एंड दो सीनेम ऐड करना होगा। इसके लिए आपको ब्लॉगर से ए रिकॉर्ड एंड सीनेम लेना होगा। इसके लिए आपको ब्लॉगर पे जो सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा है सेटअप ए थर्ड पार्टी की यूआरएल फॉर योर ब्लॉग, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो डोमेन की नेम है वो देना होगा। मैं इस पे कॉपी कर लेता हूँ एंड डोमेन की नेम यहाँ पे पेस्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको www. इसको भी ऐड करना है, वरना नहीं होगा। www. आपकी डोमेन की नेम ऐड करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एरर शो होगा। घबराइए मत, एरर सबको ही शो होती है। तो इस एरर शो होने के बाद आपको करना होगा कि आपको दो सीनेम को ऐड करना होगा। आपने जहाँ से भी डोमेन को खरीदा हुआ होगा, जिस प्रोवाइडर से भी, वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे ये डोमेन की जो सेटिंग है उस पे आपको
नेम या फिर लेवल और होस्ट फील्ड आएगा, तो उस पर आपको www को ऐड करना है, तो इसके लिए कॉपी कर लेना है। एंड आपको सीनेम एंड www पहले से ही ऐड हुआ है, तो आपको दूसरा सीनेम को ऐड करना होगा। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे ऐड करना है। तो इस आपको ऐड यहाँ पे जो ऐड डिटेल इस पे क्लिक करना होगा, एंड इसके बाद टाइप पे आपको सिलेक्ट करना होगा, तो आपको यहाँ पे सीनेम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे होस्ट पे आपको www देना है। आप यहाँ पे देख देख सकते हो, यहाँ पे या तो नेम लिखा हुआ होगा या फिर लेवल या फिर होस्ट लिखा होगा जिसके अंडर पे आपको www देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे होस्ट लिखा हुआ है, तो होस्ट पे आपको www देना है। यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्टिनेशन और टारगेट और पॉइंट, तो इस पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट 2, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट 2 लिखा हुआ है, तो इस पे आपको इसको डालना है। तो कॉपी करने के बाद आप उसको इस पे डाल सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे पहले से जो www का जो सीनेम है वो पहले से गोडैडी की डिफॉल्ट, वो पहले से गोडैडी वालों ने ऐड करके रखता है, तो आपको बस इस पे जो 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 पॉइंट 2 है इस पे आपको बस ए डालना है। तो इसके लिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ एंड इस पे मैं इसको एडिट करता हूँ। एडिट करने के लिए जो पेंसिल का सिंबल है इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप होस्ट पे www पहले से दिया हुआ है, पॉइंट 2 पे @ है, तो मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे पॉइंट 2 की जगह पे मैं इसको यहाँ से लेफ्ट इसको कॉपी करके और डाल दूंगा। एंड इसके बाद इसको 1 आवर ही रहने दूंगा, उसके बाद मैं सेव बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा एक जो www की होस्ट नेम है वो सेव हो गई। इसके बाद मुझे दूसरा जो है दूसरा होस्ट नेम ऐड करना होगा, जो सेकंड होस्ट नेम ऐड करने के लिए मैं इसको कॉपी करूंगा एंड उसके बाद मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट सीनेम, इस पे मैं होस्ट पे इसको पेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं डेस्टिनेशन टारगेट या पॉइंट 2 के लिए यही चीज पे कॉपी करूंगा एंड इसको मैं पॉइंट 2 के जगह पे डालूंगा। एंड इसके बाद आपको ध्यान रखना है, पहला होस्ट नेम जो वो 1 आवर का था, तो ये भी 1 आवर ही आपको सिलेक्ट करना है, इसके बाद सेव करना है। तो मेरा जो दो सी नेम है वो ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं जो पहला www का सी नेम था वो ऐड हो चुका है, दूसरा ए सी नेम भी ऐड हो चुका है। के बाद फ्रेंड आपको दो अभी 4 A रिकॉर्ड भी बनाना होगा। तो आपको A रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको करना होगा, के बाद आपको ब्लॉगर की यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग सेटिंग इंस्ट्रक्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा एंड यही से आपको 4 IPs मिलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टेप 3 पे आपको यहाँ पे 4 IPs मिलेगी, तो इस चारों IP को आपको एक एक करके कॉपी करना है, एक एक करके A रिकॉर्ड बनाना होगा। तो A रिकॉर्ड बनाने के लिए सेम प्रोसेस, आपको ऐड पे क्लिक करना होगा, सिलेक्ट पे आपको सीनेम के बजाय यहाँ पे ए को सिलेक्ट करना होगा एंड उसके बाद होस्ट पे आपको @ डालना होगा एंड पॉइंट 2 पे आपने जो IP एड्रेस को कॉपी किया है पहला IP एड्रेस वो डालना होगा एंड उसके बाद आपको इस पे 1 आवर ही रहना देना है, इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपको इसी इसी तरीके से आपको चारों की चारों IP को कॉपी करके वो क्रिएट कर लेना है। तो आप अब हमने चारों A रिकॉर्ड को ऐड कर दिया है एंड दो सीनेम को हमने ऐड कर दिया है। इसके इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से ब्लॉगर की पेज पे वापस आना है। यहाँ पे आपको 5 to 15 मिनट या फिर उससे ज्यादा आपको वेट करना होगा क्योंकि इस पे थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेता हूँ। वेट करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, तो मैं अभी सेव बटन पे क्लिक करता हूँ।
एंड इसने वो ले ली, आपकी जो ब्लॉगर की सेटिंग वो हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे जो ब्लॉग एड्रेस है इस पे आपको एडिट दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है एंड इसको इस पे जो रिडायरेक्ट beautywinx.com टू beautywinx.com इस पे सिलेक्ट इसको सिलेक्ट कर देना है एंड उस सेव कर देना है। बस आपका काम खत्म हो चुका है, अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ से लॉग आउट कर लीजिए। आप इसकी भी जरूरत नहीं, इसको आप क्लोज कर दीजिए। आप अपने व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके आप देख सकते हो जो बेस्ट ब्यूटी विन टिप्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम थी वो अभी आपकी जो कस्टम डोमेन है इस पे आ रही है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, आपकी ऑयल पे शेयर करना, आपके फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना एंड हमारी इस चैनल टेक्निकल प्लस यूट्यूब चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ब्लॉगर रिलेटेड या फिर ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो में इस पे रोज डालते रहता हूँ फ्रेंड। फ्रेंड अगर आपको कुछ मुश्किल हुआ या फिर कुछ भी परेशानी हुई तो आप इस वीडियो की कमेंट पे आप पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूंगा और हो सके तो मैं आपके लिए नया वीडियो भी बना के दूंगा। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल पे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।